हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के वैद्युत विभव चैप्टर से एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव बच्चों यहां पर ए बी रख दिया गया है और थीटा कोण पर रख दिया गया है और इसको हम घुमाएंगे। ठीक, ये इसकी दशा ऐसे है, मान लेते हैं इसको ऐसे से ऐसे रख देंगे, ठीक, या थोड़ा ऐसे घुमाएंगे। यानी इसको घुमाने में कितना कार्य करना होगा उसी के लिए आज हम क्या करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे, यानी उसका डेरिवेशन करेंगे। मजेदार टॉपिक है, एकदम सिंपल है, बस थोड़ा आपको कंसंट्रेट करके ध्यान से रसगुल्लों इस टॉपिक को समझना है, फिर आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, माइंड में कोई प्रेशर नहीं होगा, विदाउट एनी हेजिटेशन आसानी से इस टॉपिक का निपटारा आप कर सकेंगे। ठीक, देखिए इस तरह का फिगर अगर आपको याद हो तो हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए बनाया था। तो यहां पर जो माना जाना चीजें हैं, यानी लिखने वाली चीजें हैं, क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक ना, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं जिसके दो ध्रुव हों, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक, यानी माइनस क्यों है एक पर, एक पे प्लस क्यों है, तो इसके दो ध्रुव हैं, तो यानी द्विध्रुव हो गया। ठीक, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रख दिया गया है, तो इस पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होगा सबसे पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक क्या होता है बच्चों, तो लगने वाले बल आघूर्ण का जो व्यंजक होता है वो होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा, है ना। टाउ बराबर, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा है। ठीक, अब मान लेते हैं कि बच्चों इसको थोड़ा क्या करना है, घुमा देना है। इसकी स्थिति ऐसे ऐसे है, अब मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, देखिए आपको, मान लेते हैं इसको ऐसे करके हम ऐसे घुमा देंगे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा घुमाएंगे तो थोड़ा घुमाने में कार्य भी थोड़ा करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यहां पे क्या करेंगे, तो पहले हम निकालेंगे कि मतलब छोटा सा विस्थापन में कितना कार्य होगा, छोटा कार्य, फिर उसके बाद हम इसको बहुत ज्यादा घुमाएंगे, कार्य भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक, और पूरे फिजिक्स में इस बात का ध्यान देना बच्चों, जब भी कोई संपूर्ण चीज निकालना हो, संपूर्ण क्राइटेरिया कुछ भी निकालना हो, ठीक है ना, तो संपूर्ण में हमेशा समाकलन का प्रयोग होता है, पूरे फिजिक्स में कहीं भी हो, ठीक है ना, आप शुरू से देखते चले आए हैं कई बार समाकलन का प्रयोग हुआ है। तो पहले हम मान लेते हैं ये था इसकी स्थिति, ऐसे हमने कर दिया, तो वही छोटा सा विस्थापन होगा तो कार्य भी छोटा निकालना होगा, तो वही चीज हम करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों द्विध्रुव को, ठीक, लिखेंगे द्विध्रुव को डी थीटा। अब देखिए डी थीटा ये विस्थापन होगा, डी थीटा तक विस्थापित करने में या घुमाने में, ठीक, कुछ भी लिखिए, विस्थापित करने में किया गया कार्य। ठीक, विस्थापित करने में कार्य होगा बच्चों, देखिए छोटा विस्थापन है कार्य भी छोटा होगा, बिल्कुल। तो यहां से हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल का मतलब बल आघूर्ण गुणे विस्थापन, यानी डी थीटा होगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं बच्चों। अब यहां से लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर टाउ के स्थान पर पीई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना, इतना हो गया। अब क्या निकालेंगे बच्चों, हम निकालेंगे कि थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य। अभी हमने कितना विस्थापन किया, यानी छोटा विस्थापन। अब मान लेते हैं कि थीटा वन से थीटा टू तक घुमाना है, तो लिखेंगे बच्चों कि द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में
घुमाने में किया गया कार्य। थीटा वन से थीटा टू तक घुमाएंगे बच्चों। तो ये हमने बताया ना, जब लिमिट आ जाए, लिमिट की बात, तो हमेशा क्या समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो ये हट जाएगा संपूर्ण कार्य के लिए, तो W बराबर हो जाएगा समाकलन थीटा वन अप्रोच टू थीटा टू, और उसके बाद यहां से dW है, ठीक, dW यानी पूरा कार्य। तो PE क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, ठीक। फिर लिखेंगे W बराबर, इसको देखिए, इसको बाहर ही रख देते हैं, ठीक ना, क्या PE, PE बाहर हो जाएगा समाकलन थीटा वन अप्रोच टू थीटा टू और साइन थीटा डी थीटा। देखिए साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, इधर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों W बराबर, W बराबर PE अपने स्थान पे रहेगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब उसके बाद साइन का हमने बताया माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या है, थीटा वन अप्रोच टू थीटा टू है, ठीक। तो इतना हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे बच्चों, जब भी इस तरह से कंडीशन हो, लिमिट दिया हो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, W बराबर PE, ठीक, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस, अपर लिमिट यानी एक बार कॉस थीटा टू हो गया, और माइनस फार्मूले में होता है माइनस लोअर लिमिट, तो भाई इस माइनस की वजह से फिर से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा वन। इतना समझ में आ गया। देखिए क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस तो भाई फार्मूले वाला है, और ये माइनस ऑलरेडी है, तो ये प्लस हो गया। इसको थोड़ा हम ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर PE, ठीक, या इसको लिख सकते हैं भैया, इसको आगे रख देंगे कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है ना, ये हो जाएगा। आप मतलब इसको भी लिख सकते हैं ना, यानी हमारा एक फार्मूला ये निकल कर आ गया, यानी यही क्या है, थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक है। अब यहां से आपने ये देखा बच्चों कि हमने थीटा वन से थीटा टू तक जब घुमाया तो कार्य कितना हुआ, वो आपका ये फार्मूला निकल कर आ गया। यानी यही क्या होता है, थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में जो कार्य करना होता है उसके लिए व्यंजक है। अब हम इसको कितना भी घुमा सकते हैं, हमारी मर्जी भाई, हम चाहे जितना घुमाएं, है ना। मान लेते हैं कि इसको 0 डिग्री से 90 तक घुमाते हैं, 0 से 180 घुमा दें, या 0 से थीटा कोण तक घुमा दें, हमारी मर्जी है, हम कितना भी घुमा सकते हैं और किसी भी कंडीशन के लिए हम कार्य निकाल सकते हैं। फिर आगे थोड़ा से लिखेंगे बच्चों कि यदि, ध्यान से समझना, यदि थीटा वन बराबर 0 डिग्री और थीटा टू बराबर क्या रख दें, थीटा, तो यहां से कार्य अब क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा W बराबर PE हो जाएगा, और cos 0 डिग्री हो जाएगा बच्चों, यहां पर cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं भाई, इसको लिखेंगे W बराबर, W बराबर PE, PE और cos थीटा, मतलब cos 0 अंश का मान 1 होता है, और cos थीटा ऐसे उतार देंगे, ठीक। तो ये भी आप लिख सकते हैं, यानी चाहे ये कहिए चाहे ये, दोनों एक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये स्थिति क्या है, ये स्थिति है कि 0 से थीटा तक घुमाए हैं तब, ठीक है ना। और इस पे न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जाते हैं, काफी मजेदार टॉपिक है। आई होप कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक प्यारा सा कॉमेंट कॉमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना रसगुल्लों। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।